वेलकम बैक दोस्तों। विशिष्ट शिक्षक सक्षमता परीक्षा की कंप्लीट तैयारी के लिए आप हमसे जरूर संपर्क करें। चाहे आप प्राथमिक विद्यालय के सामान्य शिक्षक हो, चाहे उर्दू शिक्षक या माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय के किसी भी विषय के शिक्षक हो, हम सक्षमता परीक्षा का कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड करते हैं। हमारे पीडीएफ नोट्स आपके व्हाट्सएप पर और प्रिंटेड बाय पोस्ट आपके द्वारा उपलब्ध कराए गए पते पर भेजे जाते हैं। हमारे नोट्स को प्राप्त करने के लिए संपर्क करें 7631314948 पर। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी। हम इस सक्षमता परीक्षा की कंप्लीट तैयारी कराते हैं और हमारे नोट्स आपकी सफलता के लिए पर्याप्त हैं। दोस्तों, उर्दू असातिज़ा के लिए जो सक्षमता परीक्षा होगा उसके प्रारूप को समझाने के लिए हम आपको दक्षता सॉल्व पेपर 2016 से परिचित कराएंगे। दक्षता एग्ज़ाम 2016 में जो उर्दू असातिज़ा के लिए हुआ था वो भी एक डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम था और उनमें जो सवालात पूछे गए थे आज हम उनको सॉल्व करेंगे। आपको कुछ अंदाज़ा होने लगेगा कि डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम में किस तरह के सवालात पूछे जाते हैं। एक और कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा कि सभी सवालात उर्दू असातिज़ा से उर्दू ज़बान में ही पूछे गए थे। आइए हम शुरुआत करते हैं दक्षता सॉल्व पेपर 2016 की। अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यहाँ लिखा हुआ है इम्तिहान काबिलियत बराए इब्तदाई असातिज़ा 2016। इसका मतलब होता है दक्षता परीक्षा उर्दू असातिज़ा के लिए 2016 में जो आयोजित किया गया था। दक्षता परीक्षा को ही उर्दू में इम्तिहान काबिलियत कहते हैं। यह दक्षता परीक्षा कुल 100 नंबर का होता है और आपको सॉल्व करने के लिए 2 घंटे का वक्त दिया जाता है। उम्मीदवार के लिए कुछ हिदायत दिए गए हैं जिसे आपको पढ़ना लाजमी है। खास तौर से लिखा हुआ है कि सवालात 100 नंबर के हैं और एक क्वेश्चन का वैल्यू 1 नंबर है। आप इस वीडियो को पॉज करके सभी इंस्ट्रक्शन पढ़ लें। हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की, सवाल नंबर 1 पर चलते हैं। अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे उर्दू असातिज़ा के लिए जो दक्षता परीक्षा हुआ था उसमें पहला क्वेश्चन था सूरज किस मौसम में जल्दी छिप जाता है। आपने खुद गौर किया होगा सूरज जो है जाड़े के मौसम में जल्दी छिप जाता है। जाड़े के मौसम में शाम जल्दी हो जाता है और गर्मी के मौसम में शाम काफी ताखिर से होता है। जाड़े और गर्मी में लगभग तकरीबन 2 घंटे का वक्फा होता है। अगर जाड़े के मौसम में सूरज शाम 5 बजे छिप जाता है तो गर्मी के मौसम में शाम 7 बजे तक सूरज छिपता है, यानी मगरिब की अजान शाम 7 बजे होती है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिसरा मुकम्मल करना है। रब का डैश अदा कर भाई, हम लोग क्या करते हैं, रब का शुक्र अदा करते हैं। रब का शुक्र अदा करना चाहिए, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, इनमें कौन फल नहीं है। फल क्या होता है आप बेहतर जानते होंगे। आम, अमरूद, सेब जो है फल है, बैगन फल नहीं बल्कि सब्जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सदाकत आश्रम की बुनियाद किसने डाली। सदाकत आश्रम की बुनियाद मौलाना मजहरुल हक ने डाली थी, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, जाहिल की जिद बताएं। जिद का मतलब होता है उल्टा, अपोजिट, विपरीतार्थक शब्द। जाहिल का उल्टा हो जाएगा आलिम। जाहिल बोलते हैं अनपढ़ गंवार को और आलिम बोलते हैं पढ़े लिखे को। बाकी जो अल्फाज है आमिल, पढ़ाकू, उस्ताद, ये सब पढ़े लिखे होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है उस्ताद की जमा बताएं। उस्ताद की जमा क्या होगा। जमा बोलते हैं पुदरल को, बहुवचन को। उस्ताद का जमा हो जाएगा असातिज़ा। दोस्तों, हम जो नोट्स देते हैं उसमें डिटेल से कवायद समझाए जाते हैं। अगर आप हमारा नोट्स लेते हैं तो आपको इस तरह के क्वेश्चन आसान हो जाएंगे, आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
जगह जगह की सैर करने वाले को क्या कहते हैं? जो आदमी जगह जगह की सैर करता है, घूमता है, उसे सैयाह कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन एक। इसके अलावा भी कुछ ऑप्शन है, आइए इसको मैं आपको समझाता हूँ। मल्लाह, मल्लाह का मतलब होता है कश्ती चलाने वाला। इसी प्रकार सैयारा, सैयारा वो बोलते हैं जो किसी मरकजी जिस्म के चारों ओर घूमता है, जैसे जमीन के चारों तरफ चांद घूम रहा है, तो चांद क्या हो गया? एक सैयारा हो गया। बहुत सारे आर्टिफिशियल सैयारे भी ऊपर छोड़े गए हैं, जिसकी मदद से बहुत सारे काम होते हैं, इंटरनेट वगैरह चलते हैं, यानी उपग्रह को उर्दू में सैयारा कहते हैं। एक और ऑप्शन था शेरगाह, गाह बोलते हैं घूमने वाली जगह को, ईदगाह जहाँ ईद की नमाज पढ़ी जाए, जिस जगह तफरी की जाए उसे क्या बोलते हैं? सैरगाह बोलते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फागुन के महीने में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? फागुन जो है एक हिंदी त्योहार है, इस महीने में कौन सा त्योहार मनाते हैं? फागुन के महीने में होली मनाई जाती है, इसलिए होली को बहुत जगह फगवा के नाम से भी जाना जाता है। बाकी त्योहार किस महीने में मनाया जाता है, मैं आपको इसके बारे में भी बतलाऊंगा। एक त्योहार था दिवाली, यह जो है कार्तिक महीने में नए चांद के दिन यानी अमावस्या के दिन मनाया जाता है। होली, होली जो है फाल्गुन महीने में मनाया जाता है, उस दिन शुक्ल पक्ष का पूरा चांद नजर आता है, यानी पूरा चांद को पूर्णिमा कहते हैं। इसी प्रकार दशहरा त्योहार जो होता है, इसका एहतमाम आश्विन, आश्विन महीने में शुक्ला पक्षा की 10वीं तारीख को मनाया जाता है, यानी चांद की 10 तारीख को दशहरा का त्योहार मनाया जाता है। कब? आश्विन में। इसी प्रकार रक्षाबंधन, राखी का त्योहार हर साल सावन में के शुक्ल पक्ष के पूरे चांद के दिन, पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। आप जान गए होंगे बहुत सारे हिंदू भाइयों के त्योहार किस हिंदी महीने में मनाए जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह एक इस्लामिक इतिहास से लिया गया क्वेश्चन है। बीबी फातिमा की शादी किनसे हुई थी? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अनहु से हुई थी। बीबी फातिमा हुजरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोटी साहिबजादी थी और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अनहु हुजरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई थे, यानी बीबी फातिमा की शादी हजरत अली रजी अल्लाह ताला अनहु से होती है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रावण का पुतला किस त्योहार में जलाया जाता है? रावण का पुतला दशहरा में जलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, हुकूमत हिंद की तरफ से दिया जाने वाला सबसे बड़ा एजाज यानी सम्मान जो भारत सरकार द्वारा दिया जाता है, भारत रत्न जो सबसे बड़ा सम्मान है, सबसे बड़ा एजाज है जो भारत सरकार की तरफ से दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, मजमून हजरत बीबी फातिमा में गोद में बच्चा लिए हुए कौन चक्की पीस रही थी? दोस्तों दक्षता परीक्षा में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं जो आपके दर्सी किताब से उठाए जाते हैं, हम अपने नोट्स में इसीलिए दर्सी किताब को भी शामिल कर रखा है, जिसे आप इंडिविजुअली व्हाट्सएप पर हासिल कर सकते हैं। मजमून बीबी फातिमा में आपने पढ़ा था कि गोद में बच्चा लिए हजरत बीबी फातिमा चक्की पीसती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, नजम लोरी में लोरी कौन सुना रही है? नजम लोरी में लोरी माँ सुनाती है, यह सवाल भी दर्सी किताब से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, जिसमें खुदा की तारीफ और तौसीफ बयान की जाती है उसे क्या कहते हैं? जिसमें खुदा की तारीफ और तौसीफ बयान होती है उसे हम कहते हैं। ये सब नज्म के हिस्से हैं, अलग अलग तरह के नज्म होते हैं, इसके बारे में मैं आपको बतलाता हूँ। वो नज्म जिसमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की जाए उसे नात कहते हैं। मुनाजात भी एक नज्म है, इसमें भी खुदा की तारीफ बयान की जाती है, लेकिन खुदा की तारीफ बयान करने के साथ साथ बंदा अपनी आजजी का बयान करके दुआ करता है और अपने परेशानियों से निजात की इल्तजा करता है।
ऐसी नज़म जिसमें बुजुर्गाने दीन या औलिया अल्लाह की तारीफ की जाए उसे मनकबत कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि नात, मुनाजात, हम्द, मनकबत इन सभी में क्या फर्क होता है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, नालंदा किस मजहब का कदीम तालीमी मरकज था। नालंदा में बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी था जिसे नालंदा यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता था। यह बौद्ध धर्म के शिक्षा का केंद्र था। बौद्ध धर्म की इसमें तालीम दी जाती थी जिसमें देश दुनिया से लोग पढ़ने के लिए आया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, जो मैथमेटिक्स से लिए गए हैं। कृष्णा आर्या के पास 200 रुपए थे, इसमें से उन्होंने 1/4 हिस्सा कलम खरीदने पर खर्च किया तो उसके पास कितने रुपये बचे। अगर आपके पास पहले से 200 है, अगर आपने 1/4 कलम खरीद लिया तो आपके पास कितने पैसे बचे। आइए इसे सॉल्व करते हैं। 26 नंबर है, खर्च रकम कितना है। 200 का 1/4 इन्होंने कलम खरीदा यानी 50 रुपया खर्च किया। 50 रुपया 200 में से खर्च करने पर कितना बचेगा, घटा देंगे 150। ये आसान क्वेश्चन है, इसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, किसी मुस्ततील नुमा, इसे रेक्टेंगल कहते हैं। रेक्टेंगल यानी आयताकार शेप। अभी आप जो शेप देख रहे हैं ये एक रेक्टेंगल शेप है। इसमें लंबाई होती है, चौड़ाई होती है। दो लंबाई आपस में बराबर, दो चौड़ाई आपस में बराबर। कहा जा रहा है कि खेत की लंबाई कितनी है, 20 मीटर है, और चौड़ाई कितनी है, 10 मीटर है। यानी ये जो है चौड़ा 10 मीटर है, ये जो लंबा जो है 20 मीटर है। इसके चारों तरफ घेरा लगाने के लिए कितने मीटर तार लगेंगे। चारों तरफ अगर घेरा लगाना हो कितना मीटर तार लगेगा। जो रेक्टेंगुलर शेप होता है, मुस्ततील नुमा आकृति होता है, उसका तार की लंबाई हम निकालते हैं। तार की लंबाई निकालने के लिए जो फॉर्मूला इस्तेमाल होता है वो 2 गुने खेत की लंबाई प्लस चौड़ाई है। हमने 2 को अपनी जगह लिखा, खेत की लंबाई और चौड़ाई सवाल में दिया गया है। 20 और 10 को जोड़ते हैं 30 होता है। 30 को 2 से गुना करते हैं 60 होता है। ऑप्शन में हम 60 मीटर तलाश लेते हैं, जो आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, अगर तकसीम करने वाला 48 हासिले तकसीम जिसे कोसेंट कहते हैं 403 है और बाकी 5 है तो काबिले तकसीम क्या होगा। हिंदी में भाज भाग भागफल शेषफल का नाम आपने सुना होगा। इसे अंग्रेजी में डिविजर, कोसेंट, रिमाइंडर कहते हैं। आइए इसे हम इसका भी फॉर्मूला आप जान लीजिए। काबिले तकसीम का फॉर्मूला होता है तकसीम करने वाला गुने हासिले तकसीम प्लस बाकी। इस फॉर्मूले पर हमने सवाल में दिए गए वैल्यू को पुट किया और हमारा आंसर आपके सामने है 19349। इसे हम ऑप्शन में तलाशते हैं, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, इसका एशारिया क्या है। एशारिया को बोलते हैं डेसिमल वैल्यू, दशमलव मान। दशमलव मान को किस तरह लिखा जाता है इसको सबसे पहले हम जोड़ेंगे। जोड़ने के लिए हम आपको दिखला रहे हैं, हमने सेम टू सेम क्वेश्चन में से वैल्यू लिखा। नीचे इसे हम जोड़ते हैं, इसका एलसीएम 100 होता है। डिनोमिनेटर से इसको हम भाग देंगे, ऊपर गुना करेंगे, जो 3, 20, 900 और 1000 हासिल होता है। ये 1923 आपस में जोड़ने पर हासिल हुआ। 100 जो है अपनी जगह है। 1923/100 को लिखेंगे 19.23। इस दशमलव को उर्दू में हमजा लिखा जाता है जिसे इशारिया कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा 23.19। दोस्तों अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इसे हम पीडीएफ की शक्ल देकर आप तक इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के रूप में पहुंचाएंगे। अगर आप लेना चाहते हैं तो इंडिविजुअली आप व्हाट्सएप पर रابطہ करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7631314948।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैथमेटिक्स से ही उठाए गए हैं, जो 30 नंबर है। 2 नंबर का HCF और LCM दिया हुआ है, उसमें से 1 नंबर भी दिया हुआ है और दूसरा नंबर पता करना है। एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना होगा, तब ये क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। एलसीएम और एचसीएफ को आपस में जब गुणा करते हैं तो ये बराबर होता है किसके, पहली संख्या और दूसरी संख्या के। सवाल में एलसीएम और एचसीएफ दोनों दिया गया है, पहला नंबर भी दिया गया है, आपको दूसरा नंबर पता करना है। हम दोनों को जब गुणा किए तो ये इतना प्राप्त होता है, हासिल होता है। 117 अपनी जगह है, दूसरा अदद भी अपनी जगह है। यहाँ पर 3 वैल्यू में 2 वैल्यू पता है, पहला को पता करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को एक तरफ लाएंगे। ये गुना में है तो ये भाग में आ जाएगा। अब देखिए ये कैसे सॉल्व होता है। दूसरा अदद जो है निकालने के लिए हम 25, 8, 5, 7 को 117 से भाग देते हैं, प्राप्त होता है 221। आप जो है भाग देकर देख लीजिएगा, इतना ही आएगा। ऑप्शन में 221 एक नंबर ऑप्शन है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर। 31 नंबर थोड़ा धुंधला है, फिर भी हम इसे समझाते हैं। ये एक बोर्ड मास का क्वेश्चन है। का वैल्यू होता है गुना का निशान, जहां पर का है वहां पर आप गुना का निशान लिखिए, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। खते मतवाजी मुरब्बा, इसे कहते हैं चतुर्भुज का रकबा 108 मुरब्बा मीटर यानी स्क्वायर मीटर है, और इसकी बुनियाद यानी आधार लंबाई जो दिया गया है 18 मीटर है, और इसकी ऊंचाई यानी इसकी जो ऊंचाई है पता करना है आपको। इसका भी फॉर्मूला होता है जिसे आपको याद रखना होगा। रकबा क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई दिया हुआ है और चौड़ाई आपको पता करना है। एक मालूम है, दूसरा मालूम करने के लिए आप जो है रकबा को चौड़ाई से भाग देंगे। 108 को जब 18 से भाग देंगे तो 6 आएगा, यानी 6 मीटर जो है इसकी चौड़ाई है। ये ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 2 पर मौजूद है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी कसीरुल अजला के सभी कोणों की कुल तादाद, सम बहुभुज के सभी कोणों की तादाद है 720, इसके अजला की तादाद कितनी होगी। इसको 90 से भाग देते हैं तो 8 आएगा। 90 से भाग देकर ही आप साइड की संख्या निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। एक मजदूर की एक दिन की मजदूरी दिया गया है 170 रुपया। 15 मजदूर हैं और 20 दिनों तक मजदूरी करते हैं, तो टोटल कितना रुपया होगा, आपको जोड़कर बताना है। इसे हम सॉल्व करते हैं। एक दिन की मजदूरी एक मजदूर की है 170, 15 दिन की मजदूरी हो जाएगा, 15 से गुना कर दिए, ये कितने मजदूर का है वैल्यू, 15 मजदूर का। 15 मजदूर एक दिन नहीं बल्कि 20 दिन काम करते हैं। हमने क्या किया, 20 से सबको गुना कर दिया। आंसर कितना आता है, 51 पे 30, जो ऑप्शन में तीसरे नंबर पर मौजूद है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 36 नंबर क्वेश्चन है 2 पे पावर 5 गुने 2 पे पावर -6, इसका वैल्यू पता कीजिए। इसका वैल्यू पता करने के लिए हम आपको लेकर चलते हैं फिर अपने एक्सप्लेनेशन की ओर। अभी आप देख रहे होंगे हमने सबसे पहले क्वेश्चन को उतार लिया, 2 पे पावर 5 गुने 2 पे पावर -6। 2 पे पावर 5 अपनी जगह है, जब पावर माइनस में हो तो वो नीचे आने पर प्लस हो जाता है। 2 पे पावर 5 बटा 2 पे पावर 6 हमने लिख लिया। 2 पे पावर 5 अपनी जगह है, 2 पे पावर 6 को हमने 2 भागों में तोड़ दिया है, 2 पे पावर 1 गुने 2 पे पावर 5। 2 पे पावर 5 से 2 पे पावर 5 कट जाएगा तो सिर्फ 1/2 बचेगा। 1/2 ऑप्शन नंबर 2 में मौजूद है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी मुसलस का दरमियानी हिस्सा जिस नुक्ते पर मिलता है उसे क्या कहते हैं। एक त्रिभुज है, अगर उसका दरमियानी हिस्सा जिस बिंदु पर मिलता है इस बिंदु को इंतहाई मरकज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 दायरों के मोहित का तनासुब 3/4 है, तो उसके हासिल का तनासुब होगा।
सर्किल का जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है, हासिल कभी भी इसका स्क्वायर यानी मुरब्बा हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 होता है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। एक चीज को 9,000 रुपए में बेचने पर 10% नुकसान होता है, तो 15% फायदे के लिए कितने में बेचा जाए? इसे हम सॉल्व करते हैं। चीज को खरीदने की कीमत हाँ पता करने के लिए बेचने की कीमत को 100/100 - फीसदी नुकसान से गुना करते हैं। बेचने की कीमत 9,000 है, 100/100 - 10। 9,000 को 100/90 से गुना करेंगे तो 10,000 हासिल होता है, जो चीज को खरीदने की कीमत है। अब हम पता करते हैं कि 15% फायदे के लिए बेचने की कीमत क्या होगी। खरीदने की कीमत को हम फीसदी फायदा बट्टा 100 से गुना करके पता कर सकते हैं। 10,000 × 115/100 हमने लिखा, ये 100 का 2 0 2 0 खत्म कर देगा। इस प्रकार 115 पे 00 प्राप्त होता है, यानी 115 पे 00 सही आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 4 में मौजूद है। अगला क्वेश्चन है, रोशनी सफर करती है। रोशनी जो है हमेशा सीधी लाइन में सफर करती है। अगर आप टॉर्च जलाते हैं तो टॉर्च की रोशनी सीधा जाती है। अगर बीच में कोई दीवार आ जाए तो वह दीवार को पार नहीं कर सकती, दीवार के अगल बगल से नहीं गुजरती है। रोशनी हमेशा सीधी लाइन में चलती है। आपने देखा होगा सुबह में जो सूरज उगता है तो वह छोटे से छोटे सुराख से भी आता है, उतना ही आता है जितना आ पाता है, क्योंकि रोशनी सीधी लाइन में चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर। बड़की बल्ब के मौजिद कौन थे? ये जो बल्ब आप देख रहे हैं इसको बनाने वाले कौन थे? इसको बनाने वाले थॉमस एल्वा एडिसन थे। इन्होंने बिजली के बल्ब का आविष्कार क्या था, ईजाद क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। बल्ब की इकाई क्या होती है? बल्ब की इकाई वाट होती है। जूल जो होता है इसे कार्ज को मापते हैं, न्यूटन से बल को मापते हैं। वोल्ट जो होता है ये विभवांतर को मापते हैं, लेकिन जो बल्ब होता है इसे आप वाट में मापते हैं। आपके घर में जो बिजली का बिल आता है वो भी वाट में आता है। आप अपने मीटर में रीडिंग को भी वाट में देखते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। नीचे लिखे हुए में किससे रोशनी फैलती है? पॉलिश की गई सतह से, खुरदुरी सतह से, आर पार देखने वाली सतह से, अक्ष अंदाज रिफ्लेक्टर सतह से। रोशनी को फैलाना हो तो इस्तेमाल किया जाता है अक्ष अंदाज सतह का, जो रोशनी रिफ्लेक्ट करे। जो आईना आप चेहरा देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है। अगर उस पर टॉर्च मारा जाए तो पूरा रोशनी पीछे की तरफ फेंक देगा, यानी अक्ष अंदाज सतह रिफ्लेक्टर सरफेस रोशनी फैलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर। नीचे दिए गए में किसमें आवाज ज्यादा रफ्तार से चलती है? खला में, गैस में, रकीक में, ठोस में? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन एक, निर्वात, वैक्यूम। खला में साउंड की आवाज रफ्तार काफी तेज होती है। इसके बाद बारी आती है ठोस की, उसके बाद बारी आती है रकीक की, उसके बाद बारी आती है गैस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, 46 नंबर। गैर धातु नल मेटल जो पानी की कसाफत दूर करने में ज्यादा इस्तेमाल होता है, वह गैर धातु क्लोरीन है। यह पानी को साफ करता है, उसकी कसाफत को दूर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। नीचे दी गई कौन सी गैस ठोस हालत से सीधे गैस में तब्दील हो जाती है? बर्फ जो होता है वो ठोस होता है, वो सीधे गैस में वाष्प बनकर, भाप बनकर बदल जाता है, तब्दील हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। चूना पानी में फूंकने पर उसका दुधिया रंग में बदलना किस गैस की वजह से होता है? यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से होता है, जो चूना जल को दुधिया बना देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर।
पानी में कई चीजें को घोलने की ताकत होती है। इस हालत के पानी को क्या कहते हैं? जो पानी की वह कैफियत जो किसी को अपने में घोल ले, उसे सॉल्युबल, महलूल या हलशुदा कहते हैं, यानी घोलने की ताकत। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर। खाने के सोडे का केमिकल नाम क्या है? वह सोडा जो हम खाते हैं उसका केमिकल नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने का सोडा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51। फजा में नाइट्रोजन की मिकदार है। फजा में नाइट्रोजन की मिकदार 78% से ज्यादा है, 78.03। दशमलव को उर्दू में हमजा लिखते हैं, इसलिए आप ऑप्शन में देख रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर। इसमें कौन हमारे माहौल का हिस्सा नहीं है? मिट्टी, पानी, आसमान, पेड़ पौधे। हमारा जो वातावरण है उसका हिस्सा आसमान नहीं है, हम मिट्टी, पानी और पेड़ पौधे के इर्द गिर्द रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर। नीचे लिखे हुए में कौन आतिश फसा चट्टान है? आतिश फसा चट्टान उसको कहते हैं जो आग फेंकता रहता है। जिस तरह पहाड़ से पानी निकलता है, उस प्रकार कुछ चट्टान ऐसे होते हैं जहां से आग के अंगारे निकलते रहते हैं, जैसे ग्रेनाइट। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है बरसात में लगाई जाने वाली फसलों को क्या कहते हैं? जो फसलें बरसात में लगाई जाए उसे आप किस नाम से जानेंगे? फसलें कई तरह की होती है, हमने अपने नोट्स में उसे इंक्लूड कर रखा है। रबी फसल होती है, खरीफ फसल होती है, इसके अलावा भी बहुत सारी फसलें होती है। जो फसल बरसात में उगाई जाती है उसे खरीफ फसल कहते हैं। खरीफ फसल की खेती बरसात में होती है, जैसे धान। खरीफ फसल कौन कौन है, रबी फसल कौन कौन है, इसे आप हमारे नोट्स में देख सकते हैं, क्योंकि YouTube के माध्यम से मुकम्मल तैयारी कराना पॉसिबल नहीं होता है। कंप्लीट सिलेबस हम नोट्स में ही कवर कर पाते हैं, जिसे आप इंडिविजुअली WhatsApp पर हासिल कर सकते हैं। हमारा रापता है 7631314948। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर। जमीन को उत्तरी और दक्षिणी दो बराबर हिस्सों में बांटने वाली लाइन को क्या कहते हैं? जो लाइन, जो रेखा जमीन को दो बराबर हिस्सों में बांटे उसे आर्कटिक सर्किल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर। पार्लियामेंट का सबसे ऊंचा ऐवान, पार्लियामेंट का उच्च सदन राज्यसभा को कहते हैं। पार्लियामेंट में दो सदन हैं, एक निम्न सदन दूसरा उच्च सदन। उच्च सदन राज्यसभा हुआ, निम्न सदन लोकसभा हुआ। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर। भगवान महावीर की जाए पैदाइश कहाँ है? भगवान महावीर का जन्म वैशाली के कुंडन ग्राम गांव में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69। हिंदुस्तान में कुल कितने सूबे हैं? हिंदुस्तान में 29 सूबे हैं। पहले 28 थे, जिसमें एक बड़ा है तेलंगाना, जो आंध्र प्रदेश का टुकड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर। मजलिस अकवामे मुत्तहदा की बुनियाद कब पड़ी थी? मजलिसे अकवामे मुत्तहदा की बुनियाद दूसरी आलिमे जंग के बाद पड़ी थी। इसका मकसद था पूरे दुनिया में अमन और शांति रहे, तीसरी आलिमे जंग की नौबत ना आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर। एक नया उस्ताद जिसके साथ क्लास में कुछ बच्चे गलत सलूक करते हैं, उससे कैसे निपटेगा? कोई बच्चा है जो उस्ताद के साथ गलत सलूक करता है, उसे आप किस तरह से पेश आएंगे? आपको चाहिए कि अपने अंदर सुधार लाकर उस तालिब इल्मों के सामने अच्छे तरीके से पेश करें। हर इंसान के अंदर कुछ कमियां होती है, आप उसका मुआयना करें और तालिब इल्मों के सामने अच्छे से पेश आएं। उम्मीद है कि बच्चे आपकी इज्जत करेंगे और आपको रुसवा नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है तालीम का हक कानून किस तारीख को नाफिज हुआ था? तालीम का हक ये जो कानून है, यह 1 अप्रैल 2010 को पूरे भारत में लागू हो गया, नाफिज हो गया। इसे RTI 2009 के नाम से जानते हैं। यह 2009 में आया था, लेकिन लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2010 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। तालीम का हक कानून किस रियासत को छोड़कर पूरे हिंदुस्तान में नाफिज हुआ था? वह रियासत
जहां तालीम का हक कानून बाद में नाफिज हुआ वह जम्मू कश्मीर था। जम्मू कश्मीर के अलावा पूरे हिंदुस्तान भर में यह कानून एक साथ नाफिज हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74। स्कूल में एक तरह के लिबास का तरीका अपनाया जाता है, ऐसा इसलिए कि बराबरी का इजहार हो। कोई बच्चे गरीब है, कोई अमीर है, अगर ड्रेस नहीं होगा तो कुछ को अच्छे कपड़े होंगे, कुछ को बहुत खराब होंगे, जिसमें बच्चे के बीच भेदभाव आ सकता है, लेकिन जब ड्रेस होगा तो आपस में बराबरी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75। किस हुनर को सीखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? अगर आप किसी भी हुनर को सीखना चाहते हैं तो उसको सीखने के बहुत सारे तरीके हैं। आप सुनकर भी सीख सकते हैं, पढ़कर भी, देखकर भी, लेकिन काम करके सीखना सबसे बेहतर तरीका माना जाता है और सबसे अच्छा तरीका यही है, क्योंकि हमेशा के लिए यह याद हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, 76 नंबर। बच्चे के जारहाना, एग्रेसिव, झगड़ालू सलूक को किस तरीके से दूर किया जा सकता है? कोई बच्चा झगड़ालू है तो उसकी वजह जानने की आप कोशिश करें कि वह बच्चा क्यों आपस में झगड़ता है। अगर आप उसकी वजह को जान लेंगे तो उसका जरूर हल निकालेंगे। इस प्रकार बच्चे एग्रेसिव होने के बावजूद भी मेल जोल कर आपस में रहने लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, 77 नंबर। उस्ताद को दोस्त भी कहा गया है, फलसफी और गाइड भी कहा गया है, ऐसा क्यों? क्योंकि उस्ताद जो होता है दोस्त भी होता है, फलसफी भी होता है, गाइड भी होता है, या समाज के ताल्लुक से उन सभी जरूरी कामों को निभाता है। वह क्लास के कमरे में बैठकर नौजवान तालिब इल्मों में ऊंचे ख्यालात को पेश करता है, यानी यह इसका दोस्त भी होता है। यह अजीम समाजी इस्लाहकार और मुल्क का देशभक्त है, यानी ऊपर जो भी ऑप्शन है सब उस्ताद के ताल्लुक से सही है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 नंबर। क्लास में नज्म व जब्त, डिसिप्लिन बनाए रखने का सबसे मौसर यानी प्रभावी तरीका क्या है? अगर आप चाहते हैं कि क्लास में डिसिप्लिन बना रहे तो आपको पढ़ाने का तरीका दिलचस्प करना होगा। नज्म व जब्त पर अमल न करने का रुझान खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। अगर आप दिलचस्पी के साथ पढ़ाते हैं तो बच्चे खुद ब खुद नज्म व जब्त पर अमल करेंगे, उसका रुझान सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर रहेगा, इधर उधर नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 नंबर। अगर तालिब इल्म आपकी बात नहीं समझ पा रहे हैं तो क्या करना चाहिए? अगर तालिब इल्म हमारी बात को नहीं समझते हैं तो आप उन्हें इशारा देना चाहिए, मवाद को आसान बनाना चाहिए, मिसाल देकर समझाना चाहिए। हम जो है तीनों तरीका अपनाएंगे, बच्चा जो है उम्मीद है किसी एक तरीके से बात को समझ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। अगर कोई तालिब इल्म आप पर इम्तिहान की जवाबी कॉपी की जांच में तरफदारी का इल्जाम लगाए तो आप किस तरह से निपटेंगे? अगर कोई तालिब इल्म यह इल्जाम लगाता है कि आपने इम्तिहान की कॉपी जांच करने में भेदभाव किया है तो हम उस कॉपी को निकालेंगे और दिखाएंगे, साथ ही साथ जवाब भी दिखाएंगे। इस प्रकार सच सामने आ जाएगा और बच्चे शर्मिंदा हो जाएंगे। उम्मीद है कि बच्चे आइंदा ऐसी गलती ना करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उस्ताद को तख्लीक करना चाहिए किस चीज की? एक ऐसे माहौल की जो बच्चों की सलाहियत और शौक को बढ़ावा दे, इसके अलावा एक आसान मुबाहिसा मुकालमा से पुर क्लास की, एक मंसूबा बंद क्लास पढ़ाने के मवाद के साथ, यानी एक उस्ताद को ऊपर लिखे हुए सभी चीजों की तख्लीक करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद के किरदार की पहचान होती है, सियासतदान और मुबल्लिग की शक्ल में, मंसूबा बनाने वाले की शक्ल में, इंतजाम कार की शक्ल में। सही जवाब हो जाएगा ऊपर लिखे हुए सभी। उस्ताद का काम सब कुछ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83। जब एक तालिब इल्म आपके क्लास को डिस्टर्ब करता है तब आपको क्या करना चाहिए? अगर कोई तालिब इल्म आपके क्लास को डिस्टर्ब करता है
तो आपको चाहिए कि उसके डिस्टर्ब करने का वजह पता लगाएं, वह किस वजह से आपके क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है। अगर आप जान जाएंगे तो वह आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्योंकि आप उसका सॉल्यूशन हल निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84। बच्चों की जबान की सलाहियतों की तरक्की के लिए सही तरीका क्या है? बच्चों की जबान की सलाहियतों की तरक्की के लिए सही तरीका होता है बोलना, लिखना, सुनना, पढ़ना, लेकिन यह एक ऑर्डर में होता है, यह जानना आपको जरूरी है। कोई बच्चा सबसे पहले सुनता है, फिर वह बोलता है, फिर पढ़ता है, फिर लिखता है। आपके घर में भी बच्चे होंगे, आप खुद के बच्चे पर भी गौर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 नंबर। नीचे लिखे हुए में कौन सा काम बाल संसद के तहजीबी और खेल वजीर का है? स्कूल में बाल संसद का गठन किया जाता है। बाल संसद क्या होता है, इसकी चर्चा हम अलग वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो में करना पॉसिबल ना हो तो हम अपने नोट्स में इस चैप्टर को जरूर इंक्लूड करेंगे। जो बाल संसद के तहजीबी और खेल के वजीर होते हैं, स्कूल की सफाई करवाना इसका काम होता है। बाल संसद एक साल के लिए बनाया जाता है, एक साल बाद यह भंग कर दिया जाता है। बाल संसद के जो भी मेंबर, वजीर, प्रधानमंत्री, जो कुछ भी होते हैं, यह स्कूल के बच्चे ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 नंबर। अगर कोई तालिब इल्म आपके सवाल का जवाब नहीं दे पाता है तो आप उसे क्या करेंगे? अगर कोई तालिब इल्म जवाब नहीं दे पाता है तो हम जो है उसकी हौसला अफजाई करने की कोशिश करेंगे, ताकि उसका हिम्मत न टूटे, वह दोबारा कभी आपके सवाल के जवाब देने की कोशिश करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87। परिवार फैमिली से बच्चों को तालीम मिलती है। परिवार से फैमिली से बच्चों को किस तरह की तालीम मिलती है? रस्मी तरीका से, गैर रस्मी तरीका से, रेगुलर तरीका से, ऊपर लिखे हुए सभी। परिवार से जो तालीम मिलती है वो हमेशा मिलती रहती है, इसे गैर रस्मी तालीम कहते हैं। स्कूल की तालीम रस्मी तालीम होती है जो एक मुद्दत के बाद खत्म हो जाती है, लेकिन गैर रस्मी तालीम हमेशा मिलती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88। सबों के लिए तालीम का मकसद क्या है? सबों के लिए तालीम, सर्व शिक्षा अभियान, आपने नाम सुना होगा, इसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद होता है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को इब्तदाई तालीम हासिल करना। सर्व शिक्षा अभियान हर स्कूल के ऊपर लिखा होता है। इसका मकसद है 14 वर्ष से बच्चों को इब्तदाई तालीम देना, जहां जो है 6 से 14 तक के बच्चों का एडमिशन होता है, पहली से 8वीं क्लास तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89। प्राइमरी क्लासों में माहौलियाती मुताला की शुरुआत होती है। माहौलियाती मुताला यानी पर्यावरण अध्ययन की शुरुआत जो होती है क्लास 3 से होती है। पर्यावरण की पुस्तक क्लास 3 के बच्चों को दी जाती है, उससे पहले के बच्चों को नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर। उस्ताद दोस्त या रास्ता दिखाने वाला है। उस्ताद जो होता है दोस्त भी होता है, रास्ता दिखाने वाला भी होता है। यह निसाबी किताब की पसंद के लिए होता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है। बाल संसद की मुद्दत कितने वर्ष के लिए होती है? बाल संसद की मुद्दत सिर्फ और सिर्फ 1 वर्ष के लिए होती है। 1 वर्ष के बाद फिर से बाल संसद बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीचर डे किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? टीचर डे 5 सितंबर को मनाया जाता है, डॉक्टर एस राधा कृष्ण, सर्वपल्ली राधा कृष्ण के जन्म दिवस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिवा स्वपन, एक किताब है दिवा स्वपन, इसके मुसन्निफ लेखक कौन है? दिवा स्वपन के लेखक है गिजू बाई बधे का, नाम आप याद रखेंगे। इसके अलावा बहुत सारे किताबों के लेखक के नाम पूछे जाते हैं, यह खास तौर से आपके दर्सी किताब से भी उठाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, 94 नंबर। मिड डे मील स्कीम का मकसद क्या है? जो मिड डे मील मध्याह्न भोजन स्कूल में चलाया जाता है, यह सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार चलाया जाता है। इसका मकसद है बच्चों को गजा के मियार को बेहतर बनाना। गांव के जो गरीब बच्चे होते हैं उसे पौष्टिक आहार, अच्छा भोजन नहीं मिल पाता है, उसके गजा के मियार को बेहतर बनाना इसका मकसद है। इसके अलावा स्कूल में बच्चों को रुकना या ठहरना है, जो गरीब बच्चे होते हैं वह टिफिन लाने में सक्षम नहीं होते हैं,
इसीलिए वह कुछ देर पढ़ के भाग ना जाए भूख के नाम पर, इसलिए बच्चों को रोकना और ठाड़ना इसका मकसद है। तलबा की तादाद में इजाफा होना, बच्चे खाने के लिए भी स्कूल आते हैं, बच्चों की तादाद में इजाफा होता है और खाने के साथ साथ उसकी पढ़ाई भी हो जाती है। यानी सही जवाब हो जाएगा ऊपर लिखे हुए सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 नंबर, एससीईआरटी क्या है? एससीईआरटी का पूरा नाम होता है राज्य शिक्षा शोध और प्रशिक्षण परिषद। सही जवाब है ऑप्शन एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 नंबर, बच्चों के पिछड़ेपन की वजह क्या है? जिस्मानी वजह, जहनी वजह, जिस्मानी और जहनी दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा जिस्मानी और जहनी दोनों। बच्चे अगर जिस्मानी रूप से कमजोर है या जहनी रूप से कमजोर है, हर तरह से बच्चे पिछड़ेपन के शिकार हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 नंबर, तालीम की सूची लिस्ट विषय है। देश में जितने भी सुविधाएं हैं, जितने भी कानून हैं, सब कुछ तीन सूची में बटा हुआ है। एक है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची, तीसरा है समवर्ती सूची। संघ सूची को मरकजी लिस्ट कहते हैं, राज्य सूची को रियासती लिस्ट कहते हैं, समवर्ती सूची को हमसफर लिस्ट कहते हैं। तालीम जो है समवर्ती सूची का विषय है, यानी हमसफर लिस्ट में इसे जगह दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, बच्चों के समाजीकरण सोशलाइजेशन का अमल कहाँ से शुरू होता है? बच्चे का समाजीकरण अपने घर से शुरू होता है। बच्चे माँ की गोद से ही परिवार में रहना, समाज में रहना पसंद करते हैं। उसे अलग छोड़ दिया जाए तो वो नहीं रहेगा। मीना मंच एक मंच है, इसका ताल्लुक किससे है? मीना मंच का ताल्लुक होता है तलबा से। स्कूल की जो तलबा होती है, इसका एक समूह होता है जिसे मीना मंच कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्व शिक्षा अभियान प्रोग्राम का ताल्लुक है। सर्व शिक्षा अभियान प्रोग्राम का ताल्लुक प्राइमरी स्कूल से है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कंप्लीट तैयारी के लिए विशिष्ट शिक्षक सक्षमता परीक्षा कंप्लीट नोट्स के लिए आप हमसे जरूर संपर्क करें 7631314948 पर। पाठ्यक्रम आधारित संपूर्ण अध्ययन सामग्री के माध्यम से कम समय में आप बेहतर तैयारी कर पाएंगे और अपनी सफलता सुनिश्चित कर पाएंगे और राजकर्मी का सपना आपका पूरा हो पाएगा। दोस्तों इस सक्षमता परीक्षा के नोट्स और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट www.teacherrehmat.com को भी विजिट करें। साथ ही साथ हमारे एंड्रॉयड ऐप टीचर रहमत को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड करें। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अमेजिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।